subscribe my channel and press the bell icon. ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अक्षय कुमार कोई भी फिल्म लेकर आते हैं तो वो काफी खास होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। आज से ठीक 18 साल पहले एक फिल्म आई थी जो कि सुपर हिट रही थी। ये उस समय की बात है जब सलमान खान लगातार हिट पे हिट दिए जा रहे थे और हर जगह सलमान खान का दबदबा बना हुआ था। सन 1999 में आज ही के दिन अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा ने एक सुपर हिट फिल्म दी थी जिसका नाम था संघर्ष। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और इस फिल्म को काफी सराहा भी था और ये फिल्म क्राइम साइकोलॉजी पर आधारित था। और उस साल अक्षय कुमार ने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार फिल्में दी थी लेकिन एक से भी अवार्ड नहीं मिला उनको। लेकिन सन 1999 में एक मजेदार बात ये भी थी कि सलमान खान उस समय फुल फॉर्म में थे और उस समय से ही अक्षय कुमार पर सलमान खान का काफी दबदबा बना हुआ था। लेकिन आज के टाइम में सलमान खान और अक्षय कुमार एक दूसरे को कांटे का टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलमान खान ने अभी तक 13 फिल्में 100 करोड़ के पार करके दिया है और अभी तक अक्षय कुमार ने 9 फिल्में 100 करोड़ के पार करके दिया है। लेकिन बात यह है कि सलमान खान साल में एक ही फिल्म करते हैं बल्कि और अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में करते हैं। लेकिन सलमान खान साल में एक ही फिल्म देते हैं लेकिन उनका फिल्म आराम से 100 करोड़ के पार चली जाती है। लेकिन बात करें अक्षय कुमार की तो अक्षय कुमार अगर साल में 3 से 4 फिल्में देते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है। लेकिन अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में देते हैं इसकी वजह से वो फोर्ब्स की लिस्ट में 1 स्थान पे आ चुके हैं और वहीं पिछले साल अक्षय कुमार को फोर्ब्स की लिस्ट में 4 स्थान दिया गया था। अगर बात करें सलमान खान की तो सलमान खान पिछले साल 1 स्थान पे थे फोर्ब्स की लिस्ट में लेकिन इस साल अक्षय कुमार ने वो स्थान ले लिया है और सलमान खान चले गए हैं दूसरे नंबर पे। लेकिन बात यह है कि सलमान खान का रिकॉर्ड 13 फिल्मों का है जो कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। क्या अक्षय कुमार भी उनके 13 फिल्मों का रिकॉर्ड का जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।